बस आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने बाबून आना हो तो ये गाड़ी जरूर लेके आए। अस्सलाम वालेकुम जी। कहते हैं जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जमया ही नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ जी जिन्हें बाबून नहीं वेख्या वो नहीं जमया। आज हम आपको दिखाएंगे बाबून। सीजन का बिल्कुल एंड चल रहा है और एंड के सीजन में बाबून कैसा दिखता है हम आपको जरूर दिखाएंगे। साथ में है हमारे लाल परी, रंगों का हसीन इम्तिजाज, लश ग्रीनरी और आसपास वाटरफॉल्स और उसके साथ साथ ग्लेशियर और ऐसे में सुरख गाड़ी जो हमारा साथ देगी। खुर्शीद भाई यहाँ के रहने वाले हैं, आप बाबून की तरफ आएँ तो इन्हें ज़रूर हायर करें, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर भी डाल दूंगा। तो अपना सफ़र शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं बाबून आजकल के दिनों में कैसा दिखता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, ये देखें क्या नज़ारे भाई, क्या नज़ारे, वाह वाह वाह। बेसिकली सारे इलाके को बाबून वैली कहा जाता है, लेकिन ये चूँकि बाबून टॉप है यहाँ तक जीप बहुत आसानी से आ सकती है। वो लोग स्पेशली जो लोग ट्रैकिंग नहीं करना चाह रहे, जो लोग ये चाहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ आकर जीप पे आएँ, आकर के यहाँ उतर जाएँ, तो उनके लिए ये सबसे बेहतरीन जगह है। और हर तरह की गाड़ी तकरीबन आती है, लेकिन एटलीस्ट 4x4 गाड़ी आती है। और उसके साथ साथ बाइकर की बात करूँ तो इधर देखें ज़रा, बाइक भी भाई यहाँ पहुँचे हुए 125, अगर यहाँ तक आ सकते हैं तो इसका मतलब है हर चीज़ आ सकती है। तो चलिए एक राइड लेते हैं गाड़ी की और मैं आपको दिखाता हूँ। लो भाई, ये व्हीली गाड़ी है और ये गाड़ी यहाँ की बहुत शानदार गाड़ी है, दस राइड। कश्मीर दिया कूचाते ओ मल माला माया वे साडे दिल दिया चोटाते ओ मोटर में तू आवी चना वे कश्मीर दिया कूचाते वे कुछ दुबार नैया वे अज कल दे लोकाते ओ मोटर में तू आवी चना कश्मीर दिया कूचाते भाई। सच कहता हूँ इधर बाबून टॉप पे आकर के ना, अगर आपने एन भाई के हाथों की बनी हुई दूध पत्ती नहीं पी तो भाई मज़ा नहीं किया, यकीन करें। ब्राइन जी चार का बोर्ड लगाए हमारे लिए और ये बाहर देखें ज़रा क्या खूबसूरत नज़ारे हैं, लश ग्रीनरी और बीच में सुरख जीप और साथ में हमारे ये दोस्त। ले आओ चाय भाई, ले आओ। मज़ेदार चाय है, मज़ेदार चाय है, वाह वाह। कश्मीर दिया कूचाते ओ मल माला माया वे साडे दिल दिया चोटाते ओ मोटर में तू आवी जना वे कश्मीर दिया कूचाते।
बाबून वैली आने वालों के लिए खुशखबरी है कि ये इलाका अगले एक महीने तक सैयाहों के लिए खुला रहेगा, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ जो सब्जा है उसका जो रंग है वो जर्द पड़ना शुरू हो जाएगा ठंड की वजह से। टेम्परेचर आजकल के दिन में भी यहाँ ऐसा होता है कि आपको जैकेट तो एटलीस्ट पहननी पड़ती है। ऑक्सीजन की यहाँ थोड़ी सी कमी है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं। जिन लोगों को सांस की दिक्कत है वो यहाँ पे अपने ऑक्सीजन का इंतजाम जरूर करके आए। 4x4 जीप्स यहाँ पे आती हैं। पैसों की मैं बात करूँ तो तकरीबन 12,000 से लेकर के 14,000 के दरमियान आपको कुशन और कैरन दोनों साइड से इतने पैसों में गाड़ी मिल जाती है जो आपको यहाँ टॉप तक लाती है। अगला प्लान जब भी आप नीलम वैली का बनाएं तो बाबून को बिल्कुल भी स्किप मत करें, क्योंकि बाबून में आने के बाद आप बोलेंगे भाई कैसे पूरे हो गए। मजा आ गया।